आज है मेरे पास टेक्नो का ये खूबसूरत सा लैपटॉप जिसपे 2B मेगा की ब्रांडिंग की हुई है। तो इसको हम करेंगे अनबॉक्सिंग। हालांकि मैंने इसे पहले से अनबॉक्स कर रखा है, आपको दिखाने के लिए मैं ये दोबारा से इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो हम इसे ओपन करेंगे तो देखेंगे ये काफ़ी खूबसूरत सा लैपटॉप निकल के आता है। बिल्कुल ये सिल्वर कलर में है और ये 16 मिलीमीटर्स में है और ये 23 सेंटीमीटर में इसकी विड्थ है। और इसके जो स्क्रीन साइज़ है वो 15.6 इंचेस की है। और इसके साइड में 2 स्पीकर्स दिए हुए हैं। काफ़ी शानदार इसका बिल्ड क्वालिटी है। और इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1920x1080 पिक्सल का है, जो कि काफ़ी शानदार है। HD क्वालिटी में है, बिल्कुल 4K सपोर्ट करता है। और इसकी जो बैटरी है 1 लिथियम पॉलीमर बैटरी है। आइटम है ये टेक्नो कंपनी का T1i3 मॉडल, जो कि 8 GB और 512 GB के साथ ये आता है। इंटेल प्रोसेसर के साथ है ये, कोर i3 का सपोर्ट करता है। इसका जो प्रोसेसर है वो 1.7 GHz का है। और मैंने इसके लिए ये स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑर्डर किया था बाहर से, थर्ड पार्टी, जो कि ये स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है, बेहतरीन है, ताकि इसकी जो नंबरिंग वगैरह है ये सेफ़ रहेगी, इसलिए मैंने ये लगाया था। इसका फिंगरप्रिंट बहुत तेज़ चलता है, आप टच करो और ये अनलॉक हो जाता है। की पैड भी इसका काफ़ी शानदार है। टाइपिंग का जो एक्सपीरियंस है इसके ऊपर वो ज़बरदस्त है। 8 GB RAM के साथ आता है ये। और ये इसकी जो मेमोरी टेक्नोलॉजी है वो DDR4 है। कंप्यूटर मॉडल टाइप है DDR4-STRM। और ये इसके जो अनलॉकिंग फीचर है वो काफ़ी तगड़ा है। और ये जो नंबरिंग कीपैड के साथ आता है, जो कि आप इस पर कोई भी नंबर वगैरह आपको टाइप करने में कोई इशू नहीं होगा। हालांकि काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं जिसमें ये नंबरिंग कीपैड नहीं होता है। बाकी जिसके ये वर्ड, एक्सेल, MS पॉइंट किसी भी काम करना होता है तो ये नंबरिंग कीपैड काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद होता है। मैंने इस पे टाइपिंग का एक्सपीरियंस किया था तो काफ़ी शानदार तो नहीं कह सकते, बट एवरेज ठीक है। और ये लैपटॉप जो है वो ब्राउजिंग के मामलों में तो बहुत ही तगड़ा आता है। इस पे ब्राउजिंग बिल्कुल आप आँख बंद करके करिए, बिल्कुल सही चलता है ये। ब्राउजिंग में कोई लैग, कोई इशू, कुछ नहीं आता। टॉप क्लास की साउंड इसकी है और इसके स्क्रीन का क्वालिटी भी है, वो भी काफ़ी शानदार निकल के आता है, देख सकते हैं आप। और इसका जो लेआउट है जिस पे आप फिंगर वगैरह चला सकते हो वो काफ़ी चौड़ा है, आप इस फिंगर काफ़ी अच्छे से मूव करा सकते हो और मतलब टाइपिंग करते में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये फ़िलहाल अभी अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये जो लैपटॉप है वो फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो ये 23,000 का हो गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये आपको 2,400 का पड़ेगा ये लैपटॉप। जब ये मैंने इसको परचेज़ किया था तो ये समथिंग अराउंड ये 34 या 35 के अराउंड ये आया था, यानी कि 35,000 रुपीज़ मुझे पड़ गया था ये। जब ये नया नया लॉन्च हुआ था तभी मैंने इसको परचेस किया था। तो ये मुझे देख करके काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी डाउटफुल होता है कि अरे मैं रुक क्यों नहीं गया इसके लिए, 2-3 महीने और रुक जाता तो काफ़ी मतलब मेरे लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होता। लेकिन मेरे लिए, मेरे नसीब में था ही नहीं ऐसा कि मैं मतलब कुछ, खैर चलिए कोई बात नहीं। जब ये नया लॉन्च हुआ तभी मैंने इसको भी परचेस किया था। हालांकि अभी प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, मतलब किसी तरह 10,000 का डिफरेंस आया है इसके प्राइस में। तो आप अगर चाहते हो इसको परचेस करना तो काफ़ी मतलब आपके लिए अच्छा मौका है, आप इसको खरीद सकते हो। बिल्कुल बढ़िया लैपटॉप है ये, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें मैं फ़ोटोशॉप आपको चला कर दिखाता हूँ। फ़ोटोशॉप का भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, मतलब जितनी जल्दी ये बहुत जल्दी ओपन होता है फ़ोटोशॉप। इसमें आप कोई भी फाइल उठा के इस पर आप एडिटिंग करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि मैं एक फ़ाइल खोल रहा हूँ यहाँ पे, फ़ोटो, उसको मैं आपको दिखाता हूँ एडिटिंग करके। देखिए फाइल खुल चुका है
मतलब काफ़ी स्मूथ चलता है ये, कोई दिक्कत नहीं आती है फोटोशॉप में। आप कितना भी हैवी फाइल हो आप उसको एक्सेस कर सकते हो बिना लैग के, बिना कोई इशू के। काफ़ी मतलब बेहतरीन चलता है ये, देख सकते हैं आप। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कलरिंग करके, कोई दिक्कत नहीं आता है। हालांकि आप फिंगर से भी काफ़ी अच्छे से इसको एक्सेस कर सकते हो बिना माउस के भी, माउस की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी स्मूथ चलता है, देख सकते हैं आप। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के मामले में वाईफाई 5 सपोर्ट करता है, 65 वाट का मतलब लैपटॉप का जो जो वोल्टेज है वो सपोर्टिंग है। और ये इसका जो ऑप्टिकल ड्राइव टाइप है वो माइक्रो एक्सचेंज कार्ड रीडर है, आप इसमें 16 GB तक का एक्सपेंडेबल कर सकते हो, मतलब आप इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, साइड्स में स्लॉट दिया हुआ है इसके, काफ़ी ज़्यादा स्लिम। और ये इसकी अगर हम बैटरी की बात करें तो ये ऑक्स मतलब ये इसकी जो बैटरी है वो तकरीबन 17 या 18 घंटे चल सकता है आराम से सिंगल चार्ज पे, आपके ऊपर है आप इसको जैसा यूज़ करोगे वैसा चलेगा ये। और इसकी जो वेट है वो वेट तकरीबन इसका 1.5 kg से भी कम ही है, यानी कि 1.480 kg की है लैपटॉप ये पड़ जाता है। आप मैं इसको आपको सिस्टम में जाके इसका आपको मैं दिखाऊंगा डिटेल्स। ये i3 टेक्नोलॉजी का ये लैपटॉप है जो कि मैंने इसे परचेज़ किया था। मुझे लगता था पहले कि i3 मतलब काफ़ी स्लो होगा, मेरा ये मानना था, बट मैं इस मामले में काफ़ी गलत हूँ। जो ये आप देख सकते हैं इसमें i3 का ये है लैपटॉप, i3 कम नहीं है, i3 पावरफुल है, मतलब इस पर मुझे कोई दिक्कत आई ही नहीं। मतलब मुझे i5 या i7 के लिए जाना ही नहीं पड़ा, मैं इसी में सेटिस्फाइड हो गया i3 में। मुझे इतना हैवी काम तो करना होता नहीं है, गेमिंग के लिए आपको जाना है तो भी आप जा सकते हो i7 में, बट अगर आपको गेमिंग नहीं करना है तो बस ये i3 सही है। आपको बस नॉर्मल फोटोशॉप वगैरह वर्ड एक्सेल वगैरह यूज़ करना हो तो बस आपके लिए तो i3 बहुत बेटर है, और ये काफ़ी सफिशिएंट है। मैं आपको कुछ पे कुछ सैंपल दिखाता हूँ यूट्यूब पे चला करके, ये आप देख सकते हो यूट्यूब पे मैंने खोला हुआ है सैंपल। ये ट्रेलर है शैतान मूवी का, और एक दोस्तों को दिखाता हूँ आपको मैं चला के। पिक्चर क्वालिटी जो है वो काफ़ी शानदार है, स्क्रीन 4K में आता है इसका, देख सकते हैं आप। साउंड क्वालिटी भी इसका काफ़ी तगड़ा वाला है, मतलब लगता नहीं है कि हाँ कि ये कोई ऐसा कोई लोकल सा कोई स्पीकर्स वगैरह हो, बिल्कुल लगता हो कि हाँ प्रीमियम क्वालिटी का स्पीकर इसका है, और साउंड क्वालिटी बिल्कुल मस्त है, बहुत अच्छा लैपटॉप है। तो अगर ये आप लोगों को लेना है तो मैं काफ़ी हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे परचेस कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन लैपटॉप है मेरे हिसाब से तो, बिल्कुल भी स्मूथ।